न्यूज एसपी 9 न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना नई बात नहीं है, लेकिन अपने भाषण के दौरान मर्यादा भूल जाना वह भी महिला नेत्री के खिलाफ अब नेताओं के लिए आम बात हो गई है। ऐसा ही एक वाक्य अलीगढ़ में कांग्रेस की एक जनसभा के दौरान हुआ। यहाँ प्रियंका गांधी को एक जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन उनके आने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में महाराष्ट्र के प्रभारी रहे शिवराज जीवन ने मंच से मायावती के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने मायावती को खा खा कर गैंडे की तरह होना बताया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी का आगमन कैंसिल हो गया। हाथरस रेप कांड का जिक्र करते हुए शिवराज जीवन ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि हाथरस का कांड आपने देखा? जब हाथरस के अंदर एक छोटी सी नन्नी सी बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी जीभ काटी गई और जब उसकी हत्या हो गई, तो सबसे पहले भारत के अंदर ना तो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति था और ना वे जो दलित की जो रहनुमा बनती है, जो हाथी की तरह खा खा कर गैंडा हो गई है। उनके पेट में दर्द हुआ। अगर दर्द किसी के और बेचैनी हुई तो बहन बेटी माताओं की आवाज बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी के अंदर हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर सतयुग का व्यक्ति अगर कलयुग में कोई पैदा हुआ तो वह है राहुल गांधी और दूसरा है प्रियंका गांधी। शिवराज जीवन ने कहा कि जब दलित मरता है तो बीजेपी के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, जब मुस्लिम मरता है, जब मुस्लिम की बेटियों के साथ रेप होता है तो आरएसएस के गुंडों के चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर मुसलमान तड़पता है, किसी मुस्लिम के पर आग बरसती है, किसी मुस्लिम पर जुल्म होता है, किसी दलित पर जुल्म होता है, किसी गरीब पर जुल्म होता है, तो सही मायने में अगर कोई रोने लगता है तो हम गर्व से कहते हैं कि वह गांधी परिवार है। शिवराज जीवन ने कहा, इस सरकार में 300 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है, ब्राह्मणों को रोड से एक्सीडेंट करके मारा गया है, इस ढोंगी सरकार ने ब्राह्मणों को मारा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तब कौन सी ढोंगी सरकार अपने काम को अच्छे से करती है, कौन सी सरकार नहीं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा इस पे 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।